Good morning, guys. Welcome to this session of Current Affair. आज है 27 जुलाई. मैं हूँ रामेन विश्नोई. स्टार्ट करते हैं सेशन को. सेशन की पीडीएफ trace of rajasthan.com वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है और ये फेसबुक पेज है. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सेशन के अलावा हम जो द हिंदू का एडिटोरियल सेशन करते हैं उसकी भी पीडीएफ यहाँ पे शेयर करते हैं. तो ये दोनों सेशन जो है ये पूरा जो कम्प्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं न्यूज पेपर का, पीआईबी का, क्योंकि करंट अफेयर पर्पज के लिए एज वेल एज जो एनालिटिकल पर्पज के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये दोनों सेशन आपके लिए हेल्पफुल होते हैं. इन दोनों को बिल्कुल फॉलो करें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के सेशन के क्वेश्चंस की. तो कल पहला क्वेश्चन था फ्लाई ऐश की, हम बात कर रहे थे फ्लाई ऐश को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी आ रही है और इसके अंदर आपको पता होगा कि एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ऐश ट्रैक. और ऐश ट्रैक का इनिशिएटिव यही है कि ऐश जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और फाइनली जो कंज्यूम हो रही है उसका यूटिलिटी जो पूरा है उसका ट्रैकिंग हो और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का जो परस्पेक्टिव है फ्लाई ऐश का उसको बिल्कुल खत्म किया जाए. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि फ्लाई ऐश को जो है वो जो पावर प्लांट के थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ पे यूज होती है. तो फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही है, ये हमने देखा था. और फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो कुछ पार्ट है उसके अंदर फ्लाई ऐश को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है. तीसरा ऑप्शन जो है फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली. अब ये जो ओनली है ना ये यहाँ पे गलत कर देता है. और दूसरा उसके बाद डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट. तो कल हमने देखा था कि इसके अंदर लार्ज स्केल पे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स इसके अंदर लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं जिसके अंदर आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, तो ये बिल्कुल रहता है. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेबी की कल हम बात कर रहे थे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी आपको पता है कैपिटल मार्केट इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये स्टेजरी अथॉरिटी है. ये हमने कल देखा था कि जो सेबी एक्ट आया था 1992 उस एक्ट के तहत इसको स्टेटरी ऑथोरिटी बनाया गया. अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, सेबी जो स्टेटरी ऑथोरिटी बिल्कुल सही है, द चेयरमैन हु इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, ये यहाँ पे गलत है. चेयरमैन जो होता है सेबी का वो नॉमिनेटेड होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड होता है. और आरबीआई का जो है सेबी का बोर्ड के अंदर, सेबी के बोर्ड के अंदर आरबीआई का एक मेंबर होता है. ठीक है, उस पर लार्ज स्केल पे रिप्रेजेंटेशन होता है सेबी के बोर्ड के अंदर जिसके अंदर गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, इंडस्ट्री के जो मेंबर होता है उसके अलावा आरबीआई के मेंबर होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर होते हैं. तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे इसका कंपोजिशन होता है. तो करेक्ट आंसर इसका भी जो है ए हो गया. अब नेक्स्ट जो है आज की न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो न्यूज है वो पाकिस्तान से है. पाकिस्तान का जो है इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, बिल्कुल आपको पता होगा. और इसके अंदर जो इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, ठीक है, वो पार्टी जो है वो मेजोरिटी के तौर पे ऊपर के आई है. और यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखने वाली है. एक तो जो है इस तरीके से जो चेंज हुआ है जो जिसके अंदर जो रूलिंग पार्टी है और खासकर जो उनकी दो मेजोरिटी पार्टी है जिन्होंने ओवर द टाइम पावर शेयरिंग करी है, ये पहली बार हुआ है कि तीसरी कोई नई पार्टी आई है पावर के अंदर, सत्ता के अंदर. और यहाँ पे एक तो ये बात होगी, दूसरी बात यहाँ पे जो है इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं. अब एलिगेशन क्या लगाया जा रहा है, एलिगेशन जो दोनों जो पार्टी है जिनके सीट्स कम आई है उनके एलिगेशन यह है कि एक तो जो है आर्मी ने लार्ज स्केल पे यहाँ पे इंटरवेंशन किया है और आर्मी और जो सेक्टेरियन फैक्शन है जिसके अंदर मौलानाज और ये इन्होंने जो है इमरान खान की पार्टी को लार्ज स्केल पे सपोर्ट किया है और इलेक्शन के अंदर जो है रिगिंग हुई है जिसके अंदर लार्ज स्केल पे ये कहा गया है कि अभी तक जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे इलेक्शन के अंदर आर्मी का डिप्लॉयमेंट है मतलब कम से कम 2.5 से 3 लाख जो है आर्मी पर्सनल वहां पे इलेक्शन के लिए डिप्लॉय किए गए. इससे पहले कभी जो है ऐसा नहीं हुआ, 50 से 60 हजार पर्सनल डिप्लॉय हो जाते थे और इलेक्शन वहां पे हो जाते थे. तो यहाँ पे ये कहा है कि आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट बनाने के अंदर मदद करती है और अपने हिसाब का बंदा ये आर्मी वाले जो है चुन के लेके आते हैं. तो इस परस्पेक्टिव में वहां पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है क्योंकि हम जो है डेफिनेटली जो है डायरेक्ट नेबरिंग कंट्री हो गए तो हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है
पड़ता है कि वहां पे नियर बाई हमारे जो नेबरिंग कंट्री के अंदर क्या गवर्नमेंट चुन के आ रही है और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसके अंदर खासकर जो है इनके जो मैनिफेस्टो है, पीटीआई के जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अंदर भी जो है बात की गई है, बात ये की गई है कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाएंगे। अब यहाँ पे जो है इंडिया के परस्पेक्टिव में दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो जो है आर्मी आर्मी और मौलानाज के द्वारा बैक्ड पार्टी है और इमरान खान जो है उस परस्पेक्टिव में ये चीज बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव में अभी इतना इमीडिएट फ्यूचर के अंदर तो ये नजर नहीं आती कि इस तरीके का कोई सॉल्यूशन हो पाएगा और पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो नेचुरल स्टांस है वो चेंज हो पाएगा। वो नेचुरल स्टांस जो है वो हार्ड लाइनर की तरफ ही होने के चांसेस है जिसके अंदर मौलानाज और इसके अंदर आपको पता होगा कि जो पीटीआई के अंदर लार्ज स्केल पे जो हमारा कंदार एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट हाईजेक हुआ था तो उसके अंदर जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे वो इस पार्टी के अंदर मेंबरशिप लेके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है तो डेफिनेटली इंडिया के जो अगेंस्ट है वो इस तरीके की एक्टिविटीज आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि इसके अंदर और ज्यादा बढ़े। तो बिल्कुल इंडिया को भी जो है इस परस्पेक्टिव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल से न्यूज है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो वेस्ट बंगाल के असेंबली ने, वैसे वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन पास कर दिया है। और वो रेजोल्यूशन क्या था, इससे पहले भी ये रेजोल्यूशन लाया गया था जिसके अंदर वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करने की बात हो रही है। ठीक है, तो चेंजिंग द नाम, जो स्टेट का नेम जो है वो चेंज करने के पीछे क्या फंडामेंटल होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि स्टेट अगर इसका अपने स्टेट का नाम अगर चेंज करना चाहता है तो उसको जो है अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो इससे पहले भी रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंदर इन्होंने जो है तीन नाम दिए थे, इंग्लिश में अलग नाम था, बंगाली में अलग नाम था और हिंदी के अंदर अलग अलग नाम था। तो सेंटर ने जो है इस बात का मना कर दिया कि एक स्टेट के जो है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होने से जो है सिचुएशन जो है ठीक नहीं है, तो इस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी जो है वापस से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसका रेजोल्यूशन है और इसका नाम जो है वो दिया है बांग्ला। ठीक है, तो स्टेट का नाम जो है हो सकता है आने वाला टाइम के अंदर चेंज होकर वेस्ट बंगाल से जो है बांग्ला इसका नाम हो जाए। तो बांग्ला नाम को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है कि वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटर ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब ये सेंटर के पास जाएगा। तो इसका प्रोविजन क्या होता है बेसिकली कि अगर इस किसी स्टेट का नाम चेंज करना होता है तो ये कंप्लीटली पावर जो है ये पावर होती है पार्लियामेंट के हाथ में। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने वाली बात है और पार्लियामेंट के हाथ में होती है और पार्लियामेंट ही जो है आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 4 के तहत इसके अंदर पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की जो टेरिटरी है, टेरिटरी एरिया और नाम जो है वो चेंज कर सकता है। और वो जो है किस किस परस्पेक्टिव में कर सकता है, वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे अगर ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर आता है तो पार्लियामेंट के अंदर ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा और सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक इसका फंडामेंटल है। अब इसके अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है आर्टिकल 368 उसके अंदर ये पर्टिकुलर नहीं आता। तो इसके अंदर कई बार जो है कंफ्यूजन होता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा जो है थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद 50% ऑफ स्टेट कंसेंट के जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना गया। बाकी सिंपल मेजोरिटी से जो कोई बिल पास होता है उसके अंदर इसको माना नहीं गया, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। ये थोड़ा फंडामेंटल यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे एक और न्यूज है कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है उसके अंदर दो इंडियंस का नाम जो है उसके, ये खास बात है और एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो है सोनम वांगचुक जो कि फुंगचुक वांगड़ू के नाम से जो है फेमस है और बहुत ही अच्छा एकेडमिशियन है, एडुकेशनिस्ट है और आप लार्ज स्केल पे इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट में का नॉर्थ के अंदर खासकर लद्दाख रीजन के अंदर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और एजुकेशन के अंदर खासकर प्राइमरी एजुकेशन को प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ना है उसके अंदर उन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो उस परस्पेक्टिव से इनका सिलेक्शन हुआ। दूसरा जो है भारत वतवानी जो है इनका इनका काम यह है कि मुंबई के अंदर इन्होंने जो है
मेंटली इल जो पर्सन है उनके जो ट्रीटमेंट के प्रस्पेक्टिव में इनका बहुत ही अच्छा कोलेब्रेशन रहा है, बहुत ही अच्छा काम रहा है, ग्राउंड लेवल पे इनका डायरेक्ट काम रहा है, तो उस प्रस्पेक्टिव से इनका सिलेक्शन हुआ है। और जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसको जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो लर्निंग के अंदर रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज एशिया हाईएस्ट ऑनर एंड इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द रीजन इक्वेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1957 इन द मेमोरी ऑफ फिलीपींस थर्ड प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे हु हैड डाइड इन द एयर डिजास्टर इन 1957। It was established by the trustee of the New York City based on the Rockefeller Brothers Fund and Philippines government. ठीक है, तो ये इनका collaboration है। It is awarded annually to individual or organization from Asia region for the altruist and philanthropic services. ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके की services के लिए selection किया जाता है। और इस बार का जो award है वो इंडिया जो total है वो 6 लोगों को दिया गया है, जिसके अंदर 2 इंडियंस है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात आ रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया जो है, इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 जो डायलॉग होने वाला है, इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग होने वाला है। 2+2 डायलॉग के अंदर आपको बताया कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री जो दोनों जो टॉक करने वाले हैं, और उसके अंदर खास तौर पर इंडिया ने ये हाईलाइट किया है, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये हाईलाइट किया है कि यूएसए के साथ में H-1B वीजा वाला जो इश्यू है ये इंडिया रेज करेगा। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली यूएसए ने अपनी जो गाइडलाइन है, यूएसए ने H-1B वीजा के तौर पे जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन इन्होंने चेंज करी, और इसको आप ये कह सकते हो कि इस नई गाइडलाइन के तौर पर इसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्होंने कर दिया। अब स्ट्रिक्ट करने से बेसिकली क्या हुआ, इंडियंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडियंस के ऊपर सीधा सा इम्पैक्ट हुआ कि इंडिया जो लार्ज स्केल पे आईटी पर्सनल्स है, आईटी जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर इंडिया के जो लोग है वहां पे यूएसए के अंदर लार्ज स्केल पे जाते थे, और वहां पे उनका जो वीजा वीजा लेने का जो टाइमिंग है और वीजा लेने का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल पहले हुआ करता था, तो उसके अंदर इंडियन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है काफी इसके अंदर मदद मिलती थी, और ये जो पर्सनल है वो इजीली विजिट कर सकते थे। अभी H-1B वीजा के अंदर ये प्रोविजन डाल दिया है कि अगर कोई बंदा आता है वहां पे तो उसके अंदर क्लियर कट ये मेंशनिंग होनी चाहिए कि वो एक स्पेशलाइज्ड बंदा है और उसकी जो है उसका सब्स्टिट्यूट यूएसए के अंदर नहीं है। ठीक है, यूएसए का रेजिडेंट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, तो इस वजह से उसको ये वीजा दिया जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन इंडियंस जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनके लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, और चूंकि नेगेटिव के अंदर ऐसा नहीं है कि वीजा आगे से बिल्कुल दिया ही नहीं जाएगा। स्ट्रिक्ट होने से एक तो जो है वीजा एप्लीकेशन है वो स्लोली प्रोसेसिंग स्लो होगी, तो इससे जो है लैगिंग बहुत होगी, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज है वो डेफिनेटली इससे डिमोटिवेट होंगी, और वो क्या करेंगी यूएसए के अंदर से ही वहां से लोगों को हायर करना स्टार्ट करेगी रेदर देन इंडियंस। और दूसरा, स्लो के बाद में जो है यहाँ पे जो कम है, जो प्रोफेशनल पहले विजिट किया करते थे और जो वहां पे जाके काम किया करते थे वहां पे उनका नंबर्स डेफिनेटली यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिया ने अपनी एप्रीहेंशंस उठाए थे, इंडिया ने अपने जो है ग्रीवेंसेस उठाए थे, बट उसके बावजूद यूएसए जो है अपनी इन्होंने पॉलिसी चेंज करी है, तो डेफिनेटली इंडिया को भी जो है अपने लीवरेज यहाँ पे लेने चाहिए और यूएसए से अपनी बात मनवानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया का सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग है और हमारा आईटी प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, तो उस परस्पेक्टिव में हमें उसका लिवरेज लेना चाहिए, हमें उसके यूएसए से H-1B वीजा के अंदर खास तौर पे ये बात मनवानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ रही है, आपको पता होगा कि जो लीगो ऑब्जर्वेशन से ग्रेविटेशनल वेव का ऑब्जर्वेशन किया गया, ग्रेविटेशनल वेव का जो ऑब्जर्वेशन किया गया उसको अभी जो फाइनली जो है उसको ये कहा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अपना हाइपोथेसिस दी थी, जो प्रेडिक्शन दी थी 100 साल पहले, वो प्रेडिक्शन जो है इस पर्टिकुलर फाइंडिंग से वो सही हो जाती है। और इसके अंदर ये जो है ये बेसिकली हुआ क्या है, अभी एक कंसोर्टियम ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो मिलके डेलिब्रेट करते हैं जो रिसेंट इन्वेंशन हुए, जो रिसेंट खोजें हुई उनके बारे में मिलके जो है डिस्कशन करते हैं,
और उसके बाद में नतीजे में पहुंचते हैं, जो कि खासकर जो फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है, फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके बारे में बात की जाती है कि इसके बारे में जो प्रडिक्शन की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो प्रडिक्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अंदर जो उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये कहा गया था कि जो ब्लैक होल है, वो ब्लैक होल के अंदर से अगर जो लाइट अगर पास हो रही है तो दैट इज वो अगर वो मुड़ सकती है, ठीक है। ब्लैक होल के अंदर पहले ये माना जाता था कि ब्लैक होल के अंदर लाइट अगर गई, अगर जो एनर्जी एनर्जी पार्टिकल्स अगर एंटर होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो ये कहा था कि अगर एनर्जी किसी किसी मोड में एंटर हो रही है ब्लैक होल के, तो वो क्या हो रही है, वो वहां से बैंड हो जा रही है। तो उसको जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। थोड़ी टेक्निकल टर्म है बट इसके अंदर जो है ये बेसिक फंडामेंटल अपने को ध्यान में रखना है। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इसके अंदर मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक होल जैसे मर्ज हो रहे हैं, तो ये ब्लैक होल जो है वो हाई एनर्जी एक फिनोमिना है, और इसके अंदर जब ये मर्ज होते हैं तो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव का इफेक्ट जो है यहाँ पे नजर आता है, और उन्हीं ग्रेविटेशनल वेव की वजह से जो एनर्जी है वो लाइट है वो बैंड हो जा रही है, वो बैंड हो जा रही है, ठीक है। तो जैसे लेंस नहीं होता, लेंस के अंदर से अगर अगर लाइट अगर पास हो रही है तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेंस को आप ब्लैक होल समझिए, और ब्लैक होल के अंदर से लाइट अगर पास हो रही है तो वो बैंड हो रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव वहां पे प्रेजेंट है। तो ये बेसिक फंडामेंटल यहां से अपने को कैरी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ से मलेशिया से न्यूज आई है। मलेशिया के अंदर खासकर जो इसके अंदर बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर ये कहा गया है, वहां पे जो है आपको पता होगा कि खासकर ये पूरा जो मलेशियन पेनिनसुला है वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। जो वर्ल्ड के कुछ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनको आप मैप पे देखिएगा कि वर्ल्ड के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है, और इंडिया के अंदर कौन कौन से है। तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज जिसके अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं, उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इनको कलेक्टिवली जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा गया है। बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे एक तो लार्ज स्केल पे बायोडायवर्सिटी हो, और वो बायोडायवर्सिटी जो है वो थ्रेट पे हो पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से या ह्यूमन प्रेशर की वजह से, वो जो है उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर थ्रेट हो तो उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा गया है। तो इसी तरीके से मलेशिया भी जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। और इसके अंदर मलेशिया के अंदर खास बात यह है कि जो इनका आइलैंड ग्रुप है वहां पे जो बायोडायवर्सिटी है वहां पे बड़े ही जो है जो फ्लोरा एंड फौना के अंदर जो है रिचनेस बहुत ही अच्छी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे अगर देखा जाए तो ओरेंगुटन स्पीसीज है, आपको पता होगा कि ओरेंगुटन स्पीसीज है वो ह्यूमन एंसेस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे क्लोजेस्ट इनको माना जाता है ओरेंगुटन को। उसके अलावा वहां पे जो है पिग्मी एलिफेंट जो है ना, ये इनकी साइज बड़ी छोटी होती है, ये मतलब हमारी हाइट से भी कम, मतलब 4 फीट की इनकी हाइट होती है, तो इनको पिग्मी एलिफेंट कहा गया है। और ये इनकी जो है ये एंडेंजर्ड है, उसके बावजूद जो है वहां पे इनको प्रोटेक्शन नहीं है, वहां पे जो लोग है वो इनको इस तरीके से, ये एक घटना आई है जहाँ पे जो है एक एलिफेंट को वहां पे मार दिया गया। तो इस तरीके से डेफिनेटली बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रीजन पे डेफिनेटली वहां पे प्रोडक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, और प्रोडक्शन के बिना जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी जो संख्या डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे पीआईबी से बात करते हैं। पीआईबी के अंदर यहाँ पे न्यूज आई है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे लिए कैरी करने वाली बात क्या है कि जो एटॉमिक मिनरल्स है, एटॉमिक मिनरल्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो उसके अंदर लार्ज स्केल पे और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेस्पॉन्सिबल तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिसाइड करती है कि इसका जो है कैसे इनको हार्नेस करना है। और इसके अंदर जो है जो इनका एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है तो इसके बारे में डिटेल आई है। तो यहाँ पे खासकर बात हुई है मॉलिब्लेडम की ओर का जो एक्सप्लोरेशन है वो हो रहा है तमिलनाडु के अंदर लार्ज स्केल पे इसके रिसोर्सेज मिले हैं,
और ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक आप इसको एलिमेंट इसको कह सकते हो। तो बिल्कुल ये पूछा जा सकता है और माइंस एंड मिनरल्स के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है, कौन कौन सा माइंस एंड मिनरल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो मॉलिब्डेनम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये और तमिलनाडु के अंदर लार्ज स्केल पे पाया जाता है और अभी तक जो है इसकी वहां पे एक्सप्लोरेशन जो है वो चालू नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो है कल कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और जो ऑपरेशन विजय है वो जो इंडिया और पाकिस्तान का 1999 के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कारगिल के ऊपर, और इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको पता है कि जो कारगिल सेक्टर के अंदर पूरा लार्ज स्केल पे पाकिस्तान ने अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करते हुए और इवन जो है पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स को डिप्लॉय कर दिया था वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। तो इंडिया ने जो है वहां पे ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन करके इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने वहां पे वापस से कब्जा किया था। तो कल के दिन जो है वो ऑपरेशन जो है कारगिल विजय दिवस के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डेफिनेटली जो इंडिया ने जो वार वार लड़ी है 1962, 65, 72, तो इसके बाद में ये सबसे बड़ा आप ये कह सकते हो कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। तो डेफिनेटली इंडिया हमें जो है बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है और काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या जो है इसको लेके इसके बाद में कारगिल के बाद में इंडिया के जो डिफेंस स्ट्रक्चर है उसके उसके अंदर लार्ज स्केल पे अगर आप देखोगे तो बड़े चेंजेस आए हैं। इंडिया ने जो है इससे बहुत कुछ सीखा है कि ओवर द टाइम इंडिया का जो प्रिपेयरनेस है डिफेंस फोर्सेस की एज वेल एज जो इक्विपमेंट्स एंड जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर लार्ज स्केल पे वहां पे चेंजेस किए गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक स्कीम आई है समग्र शिक्षा योजना, समग्र शिक्षा स्कीम SSS इसको कह सकते हैं। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD की है और इसके अंदर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ये होलिस्टिक एक अम्ब्रेला स्कीम जो है इसको डेवलप किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है, एम्स एट यूनिफाइंग लर्निंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, मतलब प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक जो है इसको सिंक्रोनाइज करने की बात हो रही है। अब इंडिया के अंदर लार्ज स्केल पे अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो प्री स्कूल के अंदर नर्सरी से स्टार्ट होता है बच्चा, नर्सरी KG और यहाँ से लेके फर्स्ट तक आता है वहां का अलग सिस्टम है, ये सिस्टम अलग हो जाता है ठीक है। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट में आता है फर्स्ट फर्स्ट से लेके 5 तक जो है वो अलग सिस्टम हो जाता है, फिर 6 से लेके 10 तक जो है वो अलग सिस्टम हो जाएगा और 11 से लेके 12 तक जो है वो अलग सिस्टम। मतलब जो है प्राइमरी एजुकेशन ही इतने भागों में बांटी हुई है और इसके अंदर पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब स्टडी मटेरियल हो गया एज वेल एज क्वालिटी स्टैंडर्ड का कोई जो है वो बेंचमार्क नहीं है कि आप कैसे तोलोगे कि कौन सही है, कौन कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। अभी आप देखोगे कि अगर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब वहां पे बच्चों की जो स्कूल बुक्स वहां पे बच्चों को NCERT की इतनी अच्छी बुक्स है जो कि हम भी पढ़ते हैं और इतनी वेल रिसर्च बुक होती है, वो बुक्स आपको पता होगा कि काफी रिपोर्ट्स आती है कि वो बुक्स फॉलो नहीं करते हैं, वो कुछ और पब्लिशर की बुक फॉलो करते हैं। तो ये एक जो सिचुएशन बनी हुई है जिसके अंदर NCERT की बुक्स डेवलप करने के अंदर गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना रिसर्च करी है और इतना जो वहां पे एफर्ट लगा है, उसके अलावा अगर दूसरी बुक वहां पे फॉलो करी जा रही है तो इस पूरी प्रैक्टिसेस का जो है क्या मतलब यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो उसी परस्पेक्टिव में ये स्कीम लाई गई है जिसके अंदर एक होलिस्टिक कंटिन्यूम डेवलप करने की बात होती है प्री स्कूल से क्लास 12 तक। स्कीम सब्ज्यूम 3 एग्जिस्टिंग स्कीम जिसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन, ये तीनों स्कीम को इसके अंदर मिला लिया जाएगा टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 11। इट एनकैप्सुलेट एलिमेंट्स ऑफ प्रीवियस स्कीम्स एंड फोकसेस ऑन डिजिटल एजुकेशन बाय गिविंग एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ टू टीज दैट इज टीचर एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके ऊपर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए लर्निंग आउटकम्स और ऑफ स्टूडेंट, ब्रिज सोशल एंड जेंडर गैप इन स्कूल एजुकेशन, प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक SCERTs और DIITs टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचर्स, प्रोवाइडिंग एनुअल ग्रांट और ₹5 to 20,000 पर स्कूल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट करने की यहाँ पे बात हो रही है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक से, जो आपको पता है कि नेक्स्ट ओलंपिक टोक्यो के अंदर होने वाला है, और इसके अंदर खासकर बात हो रही है कि जो इसके अंदर जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स के अंदर अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो स्कीम चला रही है लार्ज स्केल पे, तो हमने जो पिछले एक दो सेशन के अंदर डिस्कशन किया था जिसके अंदर खेलो इंडिया की बात करी थी, जो खेलो इंडिया जो पूरे स्कूल लेवल के प्रोग्राम हुए थे, तो उसके अंदर भी एक और स्कीम है जिसके अंदर जिसको टॉप्स कहा जाता है, टारगेट्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके अंदर टारगेट क्या किया जा रहा है, जिसके अंदर खासकर जो है 2020 और 2024, ये स्कीम जो पहले 2016 से 20 तक थी, अभी इसको 20 से 24 तक कर दिया गया है, कि जो 20 के अंदर और 24 के अंदर जो ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं इसके अंदर जो है पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स को जो टारगेट करके जो बंदे मेडल ला सकते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। अंडर द स्कीम द सिलेक्टेड एथलीट्स आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर देयर कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग एट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पर्सन स्पेसिफिक और स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफिक जो है यहाँ पे उनकी फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाएगा और उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखा जाएगा, और खासकर जो है इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा एक जो है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। दी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विल हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड अदर नेसेसरी सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड हायर पोजिशन इन मेडल टैली फॉर द कंट्री। अब लार्ज स्केल पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग ये होती है कि इंडिया के अंदर मेडल जो है ओलंपिक्स के अंदर देखो तो हमारे मेडल टैली जो है वो बॉटम पे आती है, तो कारण इसका इतनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि क्या हमारे पास मेडलिस्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे फैसिलिटी पे, तो उसी चीज को जो है टैकल अप करने की यहाँ पे बात हो रही है। अंडर इट्स बेंचमार्क फॉर सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स इन रिलेशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, अभिनव इंदिरा कमेटी सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाई सपोर्टिंग द पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट फॉर 2020 एंड 2024 ओलंपिक्स के हैं। और इस कमेटी के बाद में जो है अराउंड 100+ एथलीट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। द टॉप्स वर लॉन्च्ड अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, और यहीं से जो है फंड का फ्लो होगा, तो ये बेसिकली आपको फंडामेंटल यहाँ से कैरी करना है। लास्टली क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप स्कीम जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट सपोर्ट द पोटेंशियल मेडल विनर इन ओलंपिक्स। दिस स्कीम कवर 10 ओलंपिक डिसिप्लिन्स। द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्कीम कम फ्रॉम नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। इनमें से कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट जो है बड़ा ही जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, और इनके बारे में हमने डिटेल भी ली। इसके बारे में अगर आप जो है और कंफ्यूज हो रहे हो, तो खासकर जो है सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसकी और डिटेल आप गैदर करें। गैदर करने के बाद में इसका जो है आंसरिंग करके डिटेल प्रोवाइड करें कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम ऑफ द स्टेट, कि अगर स्टेट का अगर नाम चेंज करना है तो उससे जुड़ा हुआ प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बिल फॉर सच पर्पस एज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बिल फॉर सच पर्पस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोसीजर की बात होती है कि अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो वो कैसे किया जाता है, हमने ब्रीफली डिस्कशन किया था, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको कंप्लीट डिटेल फॉलो करनी है यहाँ से। सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और अपने स्टडी सर्कल के अंदर सेशन को शेयर करो, लोगों को जोड़ो, और डेफिनेटली कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि सेशन कैसा है, और इसके अंदर अपनी ओपिनियन राय और सजेशन डेफिनेटली आप दे सकते हैं। गाइज दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।